एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जुगो जुग अटल तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सात संगत जियो गुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी के सामने एक लैक्चर लैके पेश हुई हाँ जिस दा सिरलेख है कि सिखी अंदरों चाहिदी है। साडे इस मुल्क विच कई लोग यह बहाना बनाते हैं कि अमृत छकन दी की लोड़ है, सिखी तो अंदरों चाहिदी है, पर उन्ना भोलिया लोगों यह नहीं पता कि बाहरली रहत नालो अंदरली रहत रखनी ज़्यादा औखी है। जेड़ा बाहरली रहत रखन तो असमर्थ है वह अंदरली रहत रखन दे समर्थ किवें हो सकता है? कि गुरु महाराज नू यह नहीं सी पता कि सिखी अंदरों ही चाहिदी है? उन्होंने बाहरली रहत रखन दी हिदायत देन दी की लोड सी? यह गल ठीक है कि अंदरली रहत तो बिना बाहरली रहत भी एक पखंड बन के रह जाएगी, पर अंदरली रहत दे नाल बाहरली रहत दा भी होना बहुत जरूरी है। शरीर अते मन दा आपस विच डूंगा संबंध है। शरीरक हालात मन उपर अते मानसिक हालात शरीर उपर असर पाउंदे हन। इसी तरह ही अंदरले धार्मिक जीवन का बाहरली पंच ककारा की रहत नाल बड़ा ही डूंगा संबंध है। जिसके अंदर धार्मिक जीवन नहीं वह हौली हौली बाहरली रहत विच भी ढिला पैंदा जाएगा, अते यह गल भी 16 अन्ने सच है। अंदरों सिखी चाहिदी है कहण वाले अंदरों सिखी नू बड़े हल्के तौर पर लेंदे हैं, पर उन्हां नू यह नहीं पता कि अंदरों सिखी कमाउणी तां बहुत ही औखी है। धन धन गुरु रामदास जी फरमाउंदे हन, गुरु सतगुरु का जग सिख अखाए सो पलके उठर नाम ते आवे, उदम करे पलके बरबाती स्नान करे अमृत सर नावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किलुख पाप दोख लह जावे, फिर चढ़े दिनस गुरबाणी गावे बहंदिया उठद्या हर नाम ते आवे। भाई गुरदास जी दियाँ वारा राही भी सिखी दी अंदरली झलक मिलती है। कितने को ऐसे गुरसिख हन जो गुरु जी दे कहे अनुसार अपना जीवन ढालते हैं। अमृत एक संजम है ते रहत सिख नूं काम क्रोध लोभ मोह हंकार उत्ते काबू पाउण दा बल प्रदान करदी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत दी दात दे के जियो निर्मल बारो निर्मल गुरुवाक अनुसार अंदरली अते बाहरली बाणी अते बाणे शक्ति अते भगती शास्त्र अते शस्त्र सत अते सता संत अते सिपाही आदि मानवी गुणा ते वड़ेइयां दा सुमेल कर दिता। करे भगत आत्म की चाहे अंदरली रात ने प्रगट कर दी है, अते पुरजा पुरजा कट मरे बाहरली रात दा प्रतीक है। ओ गुरसिख बहुत ही भागा वाले हैं जिन्हां ने अंदरली रहत दे लई बड़ी ही करड़ी कालां काली है। जे असी अंदरली रहत वल ध्यान ना दिता तो साडी सिखी किसी वेले भी खतरे विच पै सकदी है। सदियां बीत जाण दे बावजूद भी आम सिखां दे घरां विच ब्राह्मणी मत दा स्पष्ट प्रभाव नज़र आंदा है, पर इन्हां ककारां ने सिखां नूं अनमतियां विच जज़ब होण ते बचाई रख्या है। अमृत एक संजम है ते रहत सिख नू काम क्रोध लोभ मोह हंकार उते काबू पाउण दा बल प्रदान करदी है। ओह गुरसिख बहुत ही भागा वाले हन जिन्हां ने अमृत दी दात दे के पंच ककार धारण कीते हन, अते ओह गुरसिख होर भी भागा वाले हन जिन्हां ने अंदरली रहत दे लई बड़ी ही करड़ी कालां काली है। सानू भी सारयां नू भी अंदरली सिखी दे नाल नाल बाहरली सिखी धारण करन दा भी यतन करना चाहिदा है। होइयां भुल्लां दे अखीमां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।